न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात के गोधरा में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना मेयर बना लिया और काफी सालों से गोधरा की सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर का कब्जा था उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी ये हार भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाई थी और इस हार के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण बौखलाए थे उसकी जीती जागती तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। जब मेयर के लिए पत्र भरने के लिए जाया जा रहा था उस दौरान किस तरीके से बवाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मचाया और किस तरह से जीते हुए उम्मीदवारों के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गईं और किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, इसकी जीती जागती तस्वीरें हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी। पर साथ ही साथ अब गोधरा के बाद महाराष्ट्र के जलगांव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है, जहां महापौर शिवसेना का चुन लिया गया है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम योगदान भी माना जा रहा है। आखिरकार जलगांव में क्या कुछ हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कई सालों से जलगांव महानगर पालिका पर राज करने वाली बीजेपी को शिवसेना ने सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया है। बीजेपी के 27 नगर सेवकों को अपनी ओर लेकर शिवसेना सत्ता के शिखर पर पहुंच गई है। शिवसेना के इस विजयी को एनसीपी के एकनाथ खड़से की विजय और फडणवीस के खास गिरीश महाजन के हार के चश्मे से देखा जा रहा है। इस वजह पर कभी भाजपाई रहे और अब के राकपाई एकनाथ खड़से ने कहा कि 2-2.5 साल पहले जलगांव मनपा में सत्ता में आई थी, इसलिए वह अहंकार हो गई थी। उसने शहर के विकास के लिए काम नहीं किया। बीजेपी ने अपने नगर सेवक पार्टी नेताओं को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया। जलगांव महानगर पालिका में कुल 75 सदस्य हैं, इसमें 57 नगर सेवक बीजेपी के हैं। गुरुवार को हुए महापौर के चुनाव में बीजेपी के 27 नगर सेवकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे शिवसेना की जयश्री महाजन महापौर चुन ली गई, जबकि बीजेपी के बागी कुलभूषण पाटिल को उपमहापौर चुना गया। महाजन को शिवसेना के 15, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 और बीजेपी के 27 बागी नगर सेवकों के वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार प्रतिभा कापसे को 30 वोट मिले। शिवसेना की उम्मीदवार जयश्री महाजन को 45 वोटों से जीतने के बाद महापौर चुन लिया गया है। बीजेपी वर्ष अक्टूबर में बीजेपी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए एकनाथ खड़से ने दावा किया कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से 10 दिन पहले मुलाकात की थी और जलगांव की स्थिति पर चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और विनायक रावत ने मौजूद थे। जलगांव मनपा पर भगवा फहराने का मुख्य केंद्र ठाणे रहा है। शहर के घोड़बंदर रोड स्थित बाइके होटल में पिछले 4 दिनों से जोरदार हलचल बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना में आए जलगांव के नगर सेवकों को ठाणे जिले के पालक मंत्री तथा राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की निगरानी में वहीं रखा गया था। महापौर पद के लिए हुए ऑनलाइन मतदान में इसी होटल के कमरे में विराजमान नगर सेवकों ने अपने मत का उपयोग कर जलगांव मनपा में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। विजय के बाद शिवसेना द्वारा होटल में जोरदार हर्षोल्लास किया गया। सत्ता पलटने में जलगांव के पालक मंत्री राज्य के जलापूर्ति मंत्री गुलाब राव पाटिल की अहम भूमिका रही। गौरतलब है कि राज्य में पहली बार शिवसेना को 1993 ठाणे मनपा में सत्ता मिली थी और दिवंगत अनंत तरे महापौर बने थे। पिछले 28 सालों से वे लगातार सत्ता में बनी हुई थी। आपको बता दें कि इससे पहले अमरावती नगर निगम में स्थायी
सीमित अध्यक्ष के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। टीवी 9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार एक दूसरे को पसंद न करने वाले गठबंधन के कारण भाजपा की ओर से उद्धव ठाकरे की पार्टी को भारी आलोचना झेलनी पड़ी। शिवसेना और AIMIM दोनों पहले भी एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। इस तरह की स्थिति अब भी उनके राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नजर आती है। 2019 में महाराष्ट्र में जब शिवसेना ने कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन की घोषणा की थी तो ओवैसी ने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि उन्हें निकाह तो करने दें। उन्होंने इस गठबंधन का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया था। अमरावती में शिवसेना और AIMIM के बीच मजबूत गठबंधन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी को भुए सिकुड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, जो हाल ही में हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी मानी गई थी। उसने भी कई मौकों पर AIMIM की आलोचना की थी। हालांकि शिवसेना ने अपने लंबे सहयोगी भाजपा के साथ संबंध तोड़ दिए और तब से कहा जाता है कि वे धर्मनिरपेक्ष हो गई है। उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी अपनी असहमति जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़। ने देखा कि महाराष्ट्र के जलगांव में नगर पालिका चुनाव हुए, जहां पर 75 सीटें हैं। 75 सीटों में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 15 सीटें शिवसेना ने जीती और कुछ सीटों पर कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा रहा। और अगर बात की जाए जलगांव नगर पालिका की, तो साथ ही साथ इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि 75 सीटों में 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और इसके बाद भी अपना मेयर नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। आखिरकार यह माजरा कैसे हुआ, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, क्योंकि 57 जीते हुए उम्मीदवारों में से 27 ने क्रॉस वोटिंग की, 27 ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और शिवसेना का दामन थाम करके उनके उम्मीदवार को वोट की। जब वोट उन्हें किया गया तो क्रॉस वोटिंग हुई, जिसमें से 27 और 15 की बात की जाए तो 42 उम्मीदवार होते हैं। और फिर साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 3 उम्मीदवार जीते हुए थे, उन्होंने भी अपना समर्थन शिवसेना को दे दिया। और जब शिवसेना को समर्थन दे दिया तो 45 उम्मीदवार जो हैं शिवसेना के पास हुए। और जब उनके महापौर पर कब्जा कर लिया 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया गया, तो ये एक करारा झटका था, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गोधरा पचा पाना मुश्किल नहीं हो रहा था। जलगांव और उन्हें सदमे में मिल गया। इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरीके से शिवसेना का समर्थन किया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो लगातार तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है, उससे तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम भी जोरों पर है। इसकी शुरुआत गोधरा से होते हुए हमने देखी, क्योंकि गोधरा में जो 24 उम्मीदवार जीते और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना मेयर बनाया, उसमें 7 उम्मीदवार ही सिर्फ भारतीय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीते थे। 17 निर्दलीय उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना समर्थन दिया, जिसमें से 5 नगर सेवक जो निर्दलीय थे उन्होंने भी अपना समर्थन उन्हें दिया था। गोधरा में क्या कुछ हुआ और गोधरा के बाद जलगांव में जो कुछ भी हुआ, उसकी तस्वीरों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने था। और इस बात पर भारतीय जनता पार्टी को अब सच में सोचना पड़ेगा कि उसकी उल्टी गिनती गोधरा से शुरू हो चुकी है, जलगांव में उसका असर देखने को मिला और नतीजा ये सामने आया कि जो उनके अपने जीते हुए उम्मीदवार थे 27 ने क्रॉस वोटिंग क्यों की। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का साथ अब उनके ही लोग छोड़ रहे हैं और एक जलगांव में महापौर शिवसेना का बनना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो डगमगा चुकी है। और गोधरा हो चाहे जलगांव हो, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 5 राज्यों के चुनावों पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।